वेक्टर एडिशन के बिल्कुल बेटे उल्ट है। वेक्टर एडिशन में मे बी यू यूज ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, और आप नंबर ऑफ वेक्टर्स को जो भी वो इफेक्ट इंडिविजुअली प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका इफेक्ट कलेक्टिवली अगर एक सिंगल वेक्टर प्रोड्यूस कर देता है, वी से दैट कि दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर। तो वहां पे हम बेटे इन नंबर ऑफ वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर सिंगल वेक्टर फाइंड आउट किया करते थे, और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में आप अपने एक सिंगल वेक्टर को कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लेते हो। सो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स जो है बेटा, इट इज द टेक्निक इन विच आ जाइए पुत्र, थैंक यू बेटा, इन विच ए सिंगल वेक्टर इज रिजॉल्व्ड इनटू द कंपोनेंट्स। बेटा आपने लास्ट टाइम कहा भी था कि अगर ये कंपोनेंट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो वी से दैट दीज आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। बेटा सो वी आल्सो कैन से दैट इफ द कंपोनेंट वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन they are called rectangular components beta, they are called rectangular components beta, or otherwise agar wo mutually perpendicular nahi hai to these are simply termed as the components of the vector। aur last time you must be remembering that humne kuch is tarike se kiya bhi tha, ये आपके पास बेटे एक्सिस ऑफ एक्स एंड वाई वर टेकन इनटू अकाउंट, एक्स एक्सिस हैं, ये वाई एक्सिस हैं, ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका एंगल थीटा है, और आपने इसको एक्स कंपोनेंट और इसको वाई कंपोनेंट बेटे बोला था, और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट बेटे व्हाट वी वर हैविंग विद अस that is a vector that is equal to a x i cap plus a y j cap, कुछ इस तरीके का हमने बेटा जो है एडजस्टमेंट कर लिया था। सो प्रेजेंटली बेटा आप ये भी जानते हैं a x आपका जो है आप इसको a cos theta component आपने लास्ट टाइम वर्कआउट कर लिया था, एंड इट वॉज a साइन थीटा एंड जे कैप, और आप लोग अगर इनका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें ए वेक्टर का इसका, तो मैग्नीट्यूड में बेटे आप बोलोगे दिस इज ए एक्स इसका स्क्वायर एंड ए वाई इसका स्क्वायर ऑल अंडर द रूट बेटा। और आपको अगर बेटे फर्दर मोर यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दोगे तो आपका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए एक्स आपका बेटे था ए कॉस थीटा का स्क्वायर, ए साइन थीटा का स्क्वायर एंड ऑल अंडर द रूट। आप अगर इसको सॉल्व कर लोगे तो ऑटोमेटिकली ए ही आ जाएगा फिर से बेटे। तो आप ए का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, दोनों में है बेटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, this is all under the root and this is a square and obviously ye bete a hi aa jayega। this was just to cross proof that whether we are getting the magnitude as a or not beta। so dear students once again aapke paas ek single vector hai, aapne is single vector ko do rectangular components ax aur ay mein split kiya, ए एक्स और ए वाई की वैल्यूज डाल के आपने ये चेक कर लिया कि मैग्नीट्यूड इसका ए के बराबर डेफिनेटली आ रहा है बेटा। कई बार बेटे हमें एंगल थीटा की जरूरत पड़ जाती है कि कितने एंगल पे आपने इनको स्प्लिट कर रखा है, अदरवाइज एंगल निकालने के लिए
आप बेटे जो रेशो है ए एक्स और ए वाई का ये ले सकते हो, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा इस ट्रायंगल में अगर आप निकाल लोगे इट विल बी इक्वल टू ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स आ जाएगा, और ए वाई एंड ए एक्स की वैल्यूज आप बेटे सब्स्टिट्यूट करोगे अगर यू विल ऑब्वियसली बी हैविंग दैट टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा दिस इज ए साइन थीटा ए कॉस थीटा ए से ए कट गया, तो ऑब्वियसली बेटे आपके पास टेन थीटा जो है ये ए वाई अपॉन ए एक्स के बराबर आ जाता है, और आप सिंपली थीटा को टेन इनवर्स वाई कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर एंड एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर करके कह सकते हैं। आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हो, अदरवाइज से तो आपका टेन थीटा के बराबर ही आ जाएगा, तो दैट विल बिकम इन मटीरियल बेटा, राइट बेटा। सो डियर चिल्ड्रन वंस अगेन जो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स है इट इज द प्रोसेस इन विच सिंगल वेक्टर इट इज स्प्लिटेड इनटू द टू और मोर कंपोनेंट्स, इफ द टू कंपोनेंट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वी विल बी कॉलिंग दीज एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, और अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो दीज आर सिंपली द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर एज सच विच इज गिवन टू अस। अब आइए बेटे रेजोल्यूशन के बारे में, वेक्टर रेजोल्यूशन के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट डिस्कशन करके देखें कि वेक्टर रेजोल्यूशन कैसा है, कैसा होता है, और हम कैसे प्रोसीड कर सकते हैं विद दिस डिस्कशन बेटा। तो डियर स्टूडेंट्स आइए इमेजिन करें वेक्टर रेजोल्यूशन, देखें करके जरा इसमें वेक्टर रेजोल्यूशन में बेटा वेक्टर रेजोल्यूशन आइए बेटे देखें, इमेजिन कर लो आपके पास ये कोई सिंगल वेक्टर आपको दिया गया है, आर वेक्टर आप कह सकते हो इसको, लेट इट बी आर वेक्टर, कुछ भी आप बोल सकते हो, एंड इसको आप बेटे एक वेक्टर आपको ये दिया गया है ए वेक्टर, एक वेक्टर आपको ये दिया गया है बी वेक्टर, आप इन दो कंपोनेंट वेक्टर्स में स्प्लिट करना चाहते हैं, ए वेक्टर को आपने डबल ट्रिपल या 2.5 से मल्टीप्लाई किया, कुछ इस तरीके की चीज बन गई आपके पास, ये आपका सिंगल वेक्टर जो आपको गिवन था जिसको आपने ऑलरेडी आर वेक्टर बोला हुआ है ये है, इसका आपने एन टाइम्स ले लिया, एन में भी टू में भी वन में भी थ्री में भी 2.5, ये छोटा है इसको हमने दो से या 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमें वेक्टर एक मिल गया। ऐसे ही ये बी छोटा वेक्टर था, आपने इसको टू थ्री या फोर से मल्टीप्लाई किया, ये छोटा है, वन टू थ्री टाइम्स मान लो कर लिया, तो ये चीज आपके पास कुछ ऐसे बन गई। मैं बोल देता हूं दिस इज योर एन टाइम्स ए वेक्टर, दिस इज एम टाइम्स बी वेक्टर, एन आपका नॉन जीरो है एम भी आपका नॉन जीरो है, राइट बेटा। इसको अगर ध्यान से देखें हम कह सकते हैं हमारा आर वेक्टर जो है एन टाइम्स ए वेक्टर प्लस एम टाइम्स बी वेक्टर अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ बन जाता है। अब कहा जाता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप एन वेक्टर को इससे कंपैरेटिवली और कोई वैल्यू असाइन कर दो और इस वेक्टर को कोई और वैल्यू असाइन कर दो और आपको रिजल्टेंट फिर मिल जाए। मेरे कहने का मतलब है अगर आपने एन को पहले दो लिया था एम को तीन लिया था इसके अकॉर्डिंगली, अगर हम एन को दो बदल दें, दो वैल्यू नहीं असाइन करें, टू नहीं असाइन करें, फोर कर दें, एम को हम वन कर दें, तो क्या हमें रिजल्टेंट सेम मिल जाएगा? लेट अस बिटी ट्राई टू फोकस अपॉन दिस बिटी कंसेप्ट। हम इमेजिन कर लेते हैं कि
लेट बेटा आर वेक्टर इज स्प्लिट इनटू द कंपोनेंट वेक्टर्स एज फॉलोइंग। आपने आर वेक्टर को एन डैश टाइम्स ए वेक्टर एम डैश टाइम्स बी वेक्टर कह दिया। वेक्टर वही है, आपने ये मैग्नीट्यूड बदल दिया, ये भी बदल दिया, वेक्टर आपको वो मिल गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर बेटा टू कह देता हूं, लेट इट बी इक्वेशन नंबर वन। अगर हम बेटा इक्वेशन नंबर वन और टू को कंपेयर कर लें, दोनों इक्वेशंस को, इस तरफ भी आपका रिजल्टेंट है, इस तरफ भी आपका रिजल्टेंट ही है बेटा, तो वी कैन से दैट बेटा हमारे पास n टाइम्स a वेक्टर प्लस m टाइम्स b वेक्टर, इट इज n डैश टाइम्स a वेक्टर प्लस m डैश टाइम्स b वेक्टर हो गया बेटा ये। अब आइए थोड़ा सा मैं इनको रीअरेंज कर लूं बेटे टर्म्स को, ये दोनों टर्म्स को मैं उठाकर लेफ्ट साइड पे ले आता हूं, एडजस्ट कर लेता हूं। आई विल बी हैविंग एन ए वेक्टर माइनस एन डैश ए वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर माइनस दिस इज योर एम डैश बी वेक्टर, इट इज इक्वल टू जीरो। यहां ए कॉमन है, यहां बी वेक्टर कॉमन है, एडजस्ट किया जा सकता है। आपके पास बना एन माइनस एन डैश इंटू ए वेक्टर एम माइनस एम डैश इंटू बी वेक्टर, इट इज इक्वल टू जीरो। आपका ए वेक्टर जीरो था नहीं, बी वेक्टर जीरो था नो, लेकिन इन दोनों का सम जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि बिकॉज ए वेक्टर आपका नॉन जीरो है एंड बी वेक्टर भी आपका नॉन जीरो है, इट विल डायरेक्टली मीन दैट बेटा आपका एन माइनस एन डैश जीरो होना चाहिए। अगर इसको जीरो से ये जीरो है नहीं, ये भी जीरो नहीं है, इनका सम जीरो है। इसका मतलब है जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो जीरो बना, अदरवाइज तो जीरो आ ही नहीं सकता। एक बार फिर से सोचिएगा ध्यान से, आप कह रहे हो कि ए जीरो नहीं है, बी भी नहीं जीरो, लेकिन जब आप इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हो तो जीरो हो रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये चीज भी जीरो होगी और ये चीज भी जीरो होगी। जब ये जीरो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा, तभी जीरो आ सकता, नहीं तो आ ही नहीं सकता, राइट। सो वी कैन से दैट बेटा ये एंड एम माइनस एम डैश इज ऑल्सो जीरो, एन इज इक्वल टू एन डैश, एम इज इक्वल टू एम डैश। इसका उत्तर मीनिंग ये हुआ कि आपके पास एक यूनिक वैल्यू है एन की और एम की, जिन वैल्यूज में आप अपने वेक्टर को स्प्लिट कर सकते हो। आपने देखो अलग अलग भी लिया था लेकिन फिर भी वो बराबर ही आ गया, ठीक है जी। So we can beta in the end say that there is a unique, let me write beta, there is a unique value of n and m which can be assigned to the component vectors। ये नहीं है कि आप कहो जी नहीं आप n को बदल दोगे, n को और m को बदल दोगे, नहीं बेटा। आप अगर बदलोगी भी तो अपने आप अपने ये दोनों डिजिट्स आपके बराबर आ जाएंगे। सो जब भी आप किसी भी वेक्टर को रिजोल्व करोगे, देर इज ए यूनिक, एक खास वैल्यू है एन की, एक ही खास वैल्यू एन की होगी जो आप अपने वेक्टर्स को असाइन करके अपने गिवन वेक्टर को कंपोनेंट वेक्टर्स में स्प्लिट कर सकते हो।
आई मे आई होप की मीनिंग समझ आ गया सबको बेटा ये चीज का। इधर अंजलि, हनु, राघव, रमन, सहज, दिलजीत, देवनु, दिया, गुरसिमरन, हरमन, इश्नूर, मनजोत, ख्याति, मिताली। ओके बेटा, देन बेटा इसके बाद हमारे पास फिर आ जाता है एप्लीकेशंस ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे बेस्ड क्वेश्चंस आपको पेपर में बहुत आ जाया करते हैं। सो आइए बेटे कंसंट्रेट करें, ये क्लियर है बेटा। देन बेटे वी हैव एप्लीकेशंस ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स बेटा, एप्लीकेशंस ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, सबसे पहला बेटे है हमारे पास, इट इज इजी टू पुल ए लॉन रोलर देन टू पुश इट। आइए देखें क्यों। इट इज इजियर to pull a lawn roller than to push। lawn roller को pull करना आसान है, push करना मुश्किल है। हम कैसे on the basis of resolution of factor इसको बेटा explain कर पाएंगे, आइए देखें। इस तरफ मैं diagram draw कर देता हूँ बेटा, आपको फिर कंपैरिजन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस बेटा, और ये आप इमेजिन कर लीजिए लॉन रोलर का क्रॉस सेक्शनल व्यू आपको दिखाया गया। आपने कभी देखा होगा ब्लैक बोर्ड इज नॉट विजिबल बेटा, क्यों इसको नहीं विजिबल भाई? दिया सर ब्लर है, ब्लैक बोर्ड ब्लर है। अंजलि, हनु, राघव, ब्लैक बोर्ड की कोई प्रॉब्लम आ रही है बेटा? अंजलि, मनजोत सर ब्लर है, मिताली यस सर, ख्याति अच्छा ब्लर हो रहा है, अब जरा चेक करिएगा, इज इट ऑल राइट नाउ? हाँ जी है, क्या चेक करना है? एक मिनट बेटे रुकिएगा, अब चेक करिए, इज इट क्लियर नाउ? दिया अब ठीक है क्या? थोड़ा सा ब्लर है सर, थोड़ा सा ब्लर है। आपकी आवाज नहीं आ रही दिया। सर थोड़ा सा ब्लर है। हाँ जी बेटे, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है जी, ओके ठीक है बेटा। आप लोगों ने बेटे देखा होगा कि कई बार हम क्रिकेट के मैच देखते हैं, बारिश आ जाती है, वो एक लॉन रोलर सा फटाफट ले आते हैं, वो उसके साथ बारिश के बाद आपका वो क्या बोलते हैं उसको, उसको थोड़ा जहाँ पे वो खेलते हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड को वो थोड़ा ठीक करते हैं। ये उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू मान लीजिए, और ये बेटे आपकी लॉन रोलर को पकड़ने के लिए हैंडल, इमेजिन कर सकते हैं आप बेटा, इमेजिन ही करना है हमने।
एंड फर्दर मोर कि अगर हम इसको बोलने की हम इसको पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, पहले दिस इज द केस ऑफ पुलिंग। पुल करने का मतलब है कि आप इस तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हो अपनी तरफ, पुल तो अपनी तरफ ही करोगे ना, तो ये पुल कर रहा है कोई पर्सन इसको, और इस पर्सन ने जब ये लॉन रोलर को पुल किया, जो अप्लाइड फोर्स है इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ये सपोज किया। आप क्या करिए, इस फोर्स को दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर लीजिए। एक कंपोनेंट इस फोर्स का आ जाएगा इस तरफ, इट विल बी एफ कॉस थीटा, एंड एक कंपोनेंट इस फोर्स का बेटे आ जाएगा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, इट विल बी एफ साइन थीटा। ये आपका बेटे एफ कॉस थीटा कंपोनेंट ये आएगा, राइट। मैं रीड्रॉ कर देता हूं, अगर आपको थोड़ा लग रहा है, बड़ा डायग्राम बना देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा और ज्यादा। ये एक वंस अगेन हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये आपका लॉन रोलर, इमेजिन कर लीजिए, और आप लॉन रोलर को पुल कर रहे हो। दिस इज द हैंडल, दिस इज द केस ऑफ पुल या पुलिंग द लॉन रोलर। आपने फोर्स एफ अप्लाई किया लॉन रोलर पे, फोर्स ने हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना दिया, इसका इधर को कंपोनेंट एफ कॉस थीटा आ गया, इधर को जो कंपोनेंट होगा इसका इट विल बी एफ साइन थीटा। वेट ऑफ द लॉन रोलर वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा एम जी, राइट बेटा। आप इस कंपोनेंट्स को यहां पे भी शो कर सकते हो, ये आपका F साइन थीटा, ये आपका वेट mg, एंड ये आपका इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन F cos थीटा, एक ही बात है, राइट बेटा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब आप पुल कर रहे हो ये वाला कंपोनेंट आपके वेट ऑफ द रोलर को थोड़ा कम कर देगा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, ये भी फोर्स, ये भी फोर्स है, ये फोर्स इस फोर्स के कंपोनेंट को थोड़ा कम कर देगी। अगर आपके लॉन रोलर का वेट मान लीजिए 100 किलोग्राम है, ये फोर्स आपका जो है 50 किलोग्राम है, तो 100 माइनस 50 थोड़ा कम हो गया मतलब। एंड ये वाला कंपोनेंट क्या करेगा, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू मूव इट इन दिस डायरेक्शन, राइट। अब आपने उतने ही एंगल पर अगर इसको पुश कर दिया लॉन रोलर को, आइए देखें पुश के केस में कैसा होगा। ये आपका वही हॉरिजॉन्टल सरफेस, और ये आपका वही लॉन रोलर, बिल्कुल इसके पैरेलल लाइन बना रहा हूं मैं, कोशिश कर रहा हूं कि बन जाए। ये आपका लॉन रोलर का हैंडल, आपने फोर्स एफ लगा दिया इसको पुश करने के लिए, आप धक्का दे रहे हो इसको, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट बेटा आप ये पहले तो मान लीजिए एंगल आपका सेम है, एंगल अलग नहीं हुआ, आपने सेम एंगल पे ये सारा मैनेज किया है। आप इस फोर्स को बेटे कंपोनेंट्स में जब स्प्लिट करोगे, ये आपका फोर्स इस तरफ लग गया इस डायरेक्शन में, और आपने इस फोर्स को बेटा दो कंपोनेंट्स में जब स्प्लिट किया, ये आपका फोर्स अप्लाइड है, ये एंगल भी थीटा हुआ, अगर ये थीटा है तो ये कंपोनेंट आपका एफ कॉस थीटा कंपोनेंट आ गया बेटा, राइट। इस फोर्स का दूसरा कंपोनेंट एफ साइन थीटा डाउनवर्ड आ गया, वेट इसका ऑलरेडी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है एम जी, ठीक हो गई बात बेटे। अब ये वाला कंपोनेंट वेट में ऐड हो रहा है, यहां पे सब्ट्रैक्ट हो रहा था, लेके जाने वाली फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम है, लेकिन यहाँ पे वेट, इफेक्टिव वेट बढ़ गया। इसका मतलब हुआ इस फोर्स को इतने वेट को, इन दोनों के सम के बराबर वेट को लेके जाने में ज्यादा मुश्किल आएगी, और यहाँ पे वेट आपका इफेक्टिव कम है, यहाँ पे आपका जो फोर्स है
फोर्स रिक्वायर्ड, सॉरी फोर्स पर हॉरिजॉन्टल मोशन, ये आपके पास एफ कॉस थीटा है, राइट बेटा। इफेक्टिव वेट कितना हो गया, इफेक्टिव वेट इस केस में इट इज एम जी माइनस एफ साइन थीटा, माइनस हो गया, कम हो गया ना बेटा। यहां पे आपका फोर्स पर हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन दिस इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, मतलब मूव करवाने वाली फोर्स उतनी है, वो नहीं बदली। एंड इफेक्टिव वेट यहां पे जो है, इफेक्टिव वेट ये एम जी प्लस एफ साइन थीटा, ये प्लस हो गया, इसका मतलब है उतनी ही फोर्स को यहां पे ज्यादा वेट उठाना पड़ रहा है, यहां पे कम उठाना पड़ रहा है। तो यहां पे फिर आपका अपने आप बेटे मुश्किल हो जाएगा लॉन रोलर को मूव करना व्हेन यू आर बेटा पुशिंग इट। सो ऑन द बेसिस ऑफ बेटा रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर्स वी कैन से दैट बेटा इट इज ऑलवेज इजियर टू पुल ए लॉन रोलर देन टू पुश इट, ये पेपर में बहुत बार आता है, यू आर टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल बेटा, राइट बेटे। हाँ जी पुत्र, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, एंगल भी आपने सेम रखना है, इनको बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने बना देना है। और कई बार बच्चे क्या करते हैं गलती कि वो ये एंगल तो इधर है, वो इधर कई बार ड्रॉ कर जाते हैं, गलत नहीं है, लेकिन फिर वहां पे आपका कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। आप कहोगे कि ये एंगल इस केस में हॉरिजॉन्टल के साथ है, इस केस में वर्टिकल के साथ है, या तो दोनों केसेस में वर्टिकल के साथ ले लो या दोनों केसेस में आप हॉरिजॉन्टल के साथ ही ले लो, दैट विल बी वन एंड द सेम थिंग बेटा, राइट बेटा। सो इन दिस वे आप इस बेटे केस को स्टडी कर सकते हो, राइट। इसके बाद बेटे हमारे पास एक और छोटा सा कंसेप्ट है, वॉकिंग ऑफ ए पर्सन एज रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर्स बेटा। देखो बेटे टाइम हो जाएगा कि नहीं होगा, टाइम इट इज 10:12 तो हो ही गई है फिर, चलिए फिर बाकी कल कर लेते हैं। थैंक यू ऑल बेटा।